हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि भाग्यशाली सौभाग्यशाली संतान हो घर के अंदर, मगर लाख प्रयास करने के बाद भी पूजा पाठ के बाद संतान नहीं होती। आजकल बहुत सारे कृत्रिम साधन भी चल रहे हैं, कंसीव करते हैं, उसके बाद में फैमिली वे में आ जाते हैं और पता चला कि लास्ट मोमेंट पे अबॉर्ट हो गया, ये मिसकैरेज हो गया, तो आदमी कितना हताश होता है। देखिए, अगर कहीं दोष है, हम मानेंगे हॉरोस्कोप को, हम मानेंगे एस्ट्रोलॉजी को, अगर कोई दोष है तो ये सब कारण पैदा होते हैं। और ये जो कारण है ये एक आध जन्म के नहीं है, ये जन्म जन्मांतर तक पीछा करते रहते हैं। इनके क्या कारण है, देखिए माना जाता है कि अगर प्रॉपरली गति नहीं होती, हमारा संस्कार प्रॉपरली नहीं होता देह त्यागने के बाद में, जैसे एक्सीडेंटल केसेस हैं, ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि डेथ हो गई, पता ही नहीं उसका कहाँ है बॉडी, उसका शव कहाँ रखा हुआ है, तो उसका प्रॉपरली संस्कार नहीं हुआ। तो ऐसी जो मृत्यु होती हैं, ये मृत्यु जो होती हैं ये कहीं ना कहीं अभिशप्त बन जाती हैं जनरेशन टू जनरेशन, एक आध जनरेशन में ख़त्म नहीं होती है, है ना। ये इस टाइप के दोष होते हैं, ये बहुत गूढ़ विषय है, इस पर चर्चा करेंगे कभी लंबे विषय में। मगर मान के चलिए कि अगर आपको प्रॉपरली दोष है तो सबसे पहले तो आपको हॉरोस्कोप में तलाश करना पड़ेगा, और अगर वो दोष नहीं है तो फिर आप उपाय कर रहे हैं तो ठीक उस तरीके से हो जाएगा, जैसे मेडिसिन दे रहे हैं कोई और प्रॉपरली डायग्नोस नहीं हुआ, और डायग्नोस नहीं हुआ मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या होगा। इसी तरीके से दोष तो है नहीं, और जो दोष है उसका उपाय नहीं कर रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं क्या मिलेगा, सब समझदार हैं। ये जो दोष मैं बता रहा हूँ ये दोष कहलाता है नाग दोष, ये ऑब्वियसली राहु के ही कारण होता है, मगर और भी इसके प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, मंगल के कारण होता है, राहु के कारण होता है, शनि के कारण होता है, चंद्रमा के कारण होता है, और विशेष रूप से हॉरोस्कोप में पंचम भाव यानी कि फिफ्थ हाउस जो है संतान का जो कारक है, जो पिछले जन्मों के दोषों का कारण है, उसके कारण सब मिला के सारा परमिटेशन कम्बिनेशन बना के तब वो योग निकाले जाते हैं कि वास्तव में नाग दोष है या नहीं है, उसके बाद में फिर निदान तलाश करे जाते हैं। लेकिन निदान के लिए मैं वीडियो के एंड में बहुत अच्छा आपको उपाय बताता हूँ अगर ये है हॉरोस्कोप में, मगर सबसे पहले आपको तलाश करना पड़ेगा कि संतान बाधा में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि संतान हुई, और संतान होने के बाद में फिर कहते हैं ना कि अगर ना है तो एक दुख, और अगर संतान हो गई पता चला हजार दुख लाख दुख हो गए, सारे जीवन भर का रोना, सारे जीवन भर का कल्पना, एक अभिशाप बन जाता है, एक अभिशप्त परिवार हो जाता है अगर कोई गलत संतान घर में आ जाए, वो इस नाक दोष के कारण। देखिए उत्तम नारायण पांडे जी बता रहे हैं हॉरोस्कोप में क्या कारण है जिसके कारण से नाक दोष पैदा होता है और जिसके कारण से संतान उत्पत्ति में बाधा आती है, और संतान अगर हुई तो प्रॉब्लमेटिक होती है, और अगर ये दोष का निदान हो गया तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आपको कहीं बेटर रिजल्ट्स मिले संतान सुख से रिलेटेड। और इसके बाद मैं देखिए वीडियो के एंड में आप देखिएगा मैं बहुत सरल यूजर्स फ्रेंडली दो तीन चार उपाय बताऊंगा, उनको करें वो भी एक अच्छा उपाय सिद्ध हो सकते हैं, बशर्ते कि आपके हॉरोस्कोप में नाग दोष है या नहीं। उत्तम नारायण पांडे जी को पहले सुन लीजिए ये क्या बता रहे हैं, उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको एंड में। फिर एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड नोटिफिकेशन बेल में क्लिक जरूर कर लें, मेरे जो एंड कार्ड या मेरे एंड स्क्रीन ये मेरे डिस्क्रिप्शन में भी जरूर देख लिया करें, बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते चले जाएंगे। श्री सीताराम, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। विषय है सर्पदोष या नागदोष। आप इस सर्पदोष को काल सर्प योग न समझें, काल सर्प योग एक बिल्कुल अलग प्रश्न है। यहां जो चर्चा है ये सर्पदोष की है। जाने अनजाने पूर्व जन्म में या इस जन्म में यदि आपसे किसी सर्प की हत्या हुई है, सर्प के मारने में आप सहभागी रहे हैं, तो इस दोष से या इस पाप से ये दोष निर्मित होता है, और इस दोष का विशेष जो प्रभाव होता है वो वंश परंपरा पर पड़ता है, यानी संतान होने में बाधा होती है, या अगर संतान है तो वो विकृत होगी या उससे आपको लाभ नहीं होगा। तो अगर आपकी भी संतान होने में बाधा है या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा है तो आप अपनी कुंडली खोल लें। बहुत सरल से कुछ बिंदु हैं जिनको मैं बताऊंगा, आप उनको देख लें कि क्या आपकी कुंडली में वो घटित हो रहे हैं। यदि हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी कुंडली में सर्पदोष है और उसके सरल से उपचार हैं, उसको आप करें ताकि नाग कृपा से आपको संतान की प्राप्ति हो। उसका नियम ये है कि अब सबसे पहले ये देखेंगे कि ये बनता कैसे, यानी इसकी पहचान क्या है। तो पहली पहचान इसकी ये है
पुत्र स्थान गते राहो कुजेन च निरीक्षते कुछ क्षेत्र गते वापी सर्प सापात सुतक्षय। यानी कि पुत्र स्थान गते राहो, यानी पंचम में राहु स्थित हो और कुजेन च निरीक्षते यानी कि मंग और मंगल की उस पर पूर्ण दृष्टि हो, पंचम भाव में राहु हो और उस पर मंगल की पूर्ण दृष्टि हो, तो ये सर्प दोष बनता है। या कुंडली यदि आपकी कर्क लग्न या धनु लग्न की है तो स्वाभाविक रूप से आपके पंचम भाव में मेष या वृश्चिक राशि आएगी। तो जो राहु है अगर मंगल की उस पर दृष्टि नहीं है तो मेष राशि या वृश्चिक राशि पंचम भाव में हो और वहां राहु हो। यानी एक बात समझ लें, या तो पंचम भाव में राहु है और उस पर मंगल की दृष्टि है तब सर्पदोष बनता है, या अगर मंगल की दृष्टि नहीं है तो जो मंगल की दोनों राशियां हैं मेष और वृश्चिक ये पंचम भाव में हो और वहां उस राशि का राहु हो, तो इन दोनों में से कोई भी एक स्थिति बनती है तो सर्पदोष बनता है। आगे उसके बारे में कहा है कि सर्प शापात सुतक्षय, यानी कि अगर ऐसी स्थिति है तो सर्प के दोष से सुत का क्षय होता है, यानी कि संतान होती नहीं है, होती है तो नष्ट हो जाती है। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। आगे उन्होंने कहा है, पुत्रेशे राहु संयुक्ते पुत्रस्थे भानुनंदने चंद्रेण संयुते दृष्टे सर्प शापात सुतक्षय। यानी कि आपकी कुंडली में जो आपका पंचमेश है यानी पंचम भाव का जो स्वामी है वो पूरी कुंडली में कहीं भी राहु के साथ हो, यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि पंचम भाव में ही, पूरी कुंडली में पूरे 12 भाव में से कहीं भी राहु के साथ हो पंचमेश, और पंचम भाव में यदि शनि है और शनि पर चंद्रमा की दृष्टि है, अगर ऐसी स्थितियां, बहुत सरल सा है फिर से आप इसको समझ लेंगे, आपकी कुंडली का पंचमेश राहु के साथ है और पंचम भाव में शनि है और उस शनि पर चंद्रमा की दृष्टि है, यदि ऐसी स्थिति है तो भी ये नागदोष या सर्पदोष बनता है। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कहा है, कार्के राहु संयुक्ते पुत्रेशे बलवर्जिते लग्नेशे कुछ संयुक्ते सर्प शापात सुतक्षय। यानी कि जो कुंडली का संतान कारक है यानी कि बृहस्पति राहु के साथ हो और जो पंचमेश आपकी कुंडली का वो बलहीन हो, निर्बल हो, और कुंडली में लग्नेश और मंगल साथ साथ हो, यदि ऐसी स्थिति भी बनती है तो ये सर्पदोष कहलाता है। आगे उन्होंने और व्याख्या की है, उन्होंने कहा है, कार्के भौम संयुक्ते लग्ने च राहु संयुते पुत्र स्थानाधिपे दुहस्थे सर्प शापात सुतक्षय। यानी कि कुंडली में बृहस्पति और मंगल एक साथ हो, लग्न में राहु स्थित हो और जो पंचमेश वो 6-8-12 भाव में हो, तो ये सब सर्पशाप के योग हैं। महर्षि पराशर ने सर्पदोष को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, तो आप अपनी कुंडली में देख लें कि मान्याचार्य ने जो परिभाषाएं दी हैं सर्पदोष की, क्या उनमें से कोई आपकी कुंडली में घटित हो रहा है, और यदि हो रहा है तो क्या संतान को लेकर के आपकी समस्या है, यानी प्रथम तो संतान नहीं हो रही, या हो रही है तो नष्ट हो गई, या उससे लाभ नहीं है। यदि ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली में घटित हो रही हैं, तो सर्पदोष की शांति का उपक्रम बहुत सरल, बहुत सारे विधान बताएं, उसमें से मैं सरलतम आपको विधान बता देता हूं। उसमें उन्होंने कहा है, तद दोष परिहारार्थम नाग पूजाम च कार्यत्। यानी कि अगर ऐसा दोष है तो इसके परिहार के लिए नाग की पूजा आप करें। अब वो नाग की पूजा सरलतम कैसे आप कर सकते हैं, नाग मूर्ति सुवर्णेन कृत्वा पूजाम समाचरित, यदि संभव हो तो एक अपने आर्थिक क्षमता अनुसार सोने की एक नाग की मूर्ति बनवा लें, उसको अपने पूजन स्थल पर रखें और यथा सामर्थ्य नित्य उसकी पूजा अर्चना करें। तो नागेंद्र प्रसादात वर्धते कुलम, यानी नाग के आशीर्वाद से, नागराज के प्रसाद से आपका कुल वृद्धि को प्राप्त होगा, यानी संतान की जो समस्या थी वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योग है। देखिए, जब भी हम किसी समस्या से पीड़ित होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका उपाय देखने लगते हैं, लेकिन उपाय के पूर्व आप ये जानने का प्रयास करें कि ये जो समस्या है ये क्यों है। यदि आप क्यों का उत्तर पा जाएंगे तो निराकरण बहुत आसान हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। इसमें यदि फिर भी कोई जिज्ञासा रह गई हो तो निःसंकोच आप मुझसे पूछ सकते हैं। सीताराम, देखिए कुछ तो बहुत कॉमन से उपाय हैं नाग दोष के। मैं बार बार कह रहा हूं कि नाग दोष और कालसर्प दोष में अंतर समझिएगा, दोनों डिफरेंट हैं। सबसे अच्छा तो उपाय यह है कि शिवलिंग पे जल अर्पित करें,
और जल अर्पित करें तो जल में कुछ ना कुछ मिला जरूर लें, चाहे तो कच्चा दूध मिला लें। मैं जो प्राथमिकता देता हूँ, मैं देता हूँ नाग केसर को। इसके पर्पज़ हैं नाग केसर के दो चार उसके दाने मिला लें, वो उससे आप शिव जी को शिवार्चन उससे आप अर्पित करें जल। और इसके नियम अगर बना सकते हैं तो जैसे सोमवार का दिन अच्छा माना गया है शिव जी के लिए, और अगर नाग दोष के लिए कर रहे हैं तो बुधवार का दिन अच्छा माना गया है, पंचमी और षष्ठी का दिन अच्छा माना गया है। और मैं जो मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि अपने जन्मपत्री में आप देखिए कि आपके जन्म की तिथि क्या है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, हिंदी तिथि क्या है, उस तिथि के अनुसार माह में जब वो तिथि पड़ती है उस तिथि में आप करिए, नंबर एक। और नंबर दो, आप देखिए कि किस नक्षत्र में आप जन्मे हैं, वो नक्षत्र पकड़िए, उस नक्षत्र में जन्म दीजिए। तो आपको चार ऑप्शंस मिल गए, तीन तो आपको आपको तो आपको दो ऑप्शंस मिल गए, एक आपका नक्षत्र मिल गया, एक आपकी तिथि मिल गई, और बाकी फिर ये कॉमन डेज इसके अनुसार कर ही सकते हैं। और वैसे नाग पंचमी को नाग दोष के लिए बहुत सारे उपाय करे जाते हैं, उसमें भी सबसे सरल तरीका होता है दान को हम बहुत महत्व देते हैं। दाल का दान नाग दोष दूर करने के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। और दाल का दान भी अगर मान लीजिए कहीं बहते हुए पानी की सुविधा है तो चने की दाल आप बहते हुए पानी में बहाएं, और बहाएं इस तरीके से दाल को हाथ में ले लें, एक पाव हो, आधा किलो हो, एक किलो हो, ऐसे हाथ में रख लें, और इन उंगलियों से धीरे 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 इस तरीके से उसके बहाएं पानी के अंदर। ये बहुत अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा आपके लिए। इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बड़ा अच्छा बताया गया है, मगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर एक जबान पर नहीं चढ़ेगा, उसके लिए फिर सरल सा महामृत्युंजय का मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे उर्वरूपिणी बंधना मृत्योर्मुक्षी मामताप। और अगर ये मंत्र भी कठिन लगता है तो ओम नमः शिवाय इसका जाप करते हुए शिव जी को जल दें, और शिवलिंग को जब स्पर्श करते हैं तो तीन उंगलियों से शिव जी को स्पर्श करें, और जिससे स्पर्श करें चाहे वो चंदन का लेप कर लें, चाहे वो गंगा जल का लेप कर लें, चाहे वो दुग्ध का लेप कर लें, शहद का लेप कर लें, या दही का लेप करने, और उसके बाद में करने के बाद में जैसे त्रिपुंड बनाते हैं ना लेफ्ट राइट अपनी उंगली पे ऐसे फेर लें, वो तिलक नहीं लगाना है, स्पर्श मात्र करना है, शिवलिंग का स्पर्श और आपके माथे पे स्पर्श। ये बहुत अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा। और अगर और डिटेल्स में जाते हैं तो छोटे छोटे से एक चांदी के 108 नाग नागिन के जोड़े बनवा लीजिए। अगर मान लीजिए बहुत महंगे लगते हैं, मैं समझता हूँ बहुत एक कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, मगर छोटे छोटे बनवा लें आदमी, मैं समझता हूँ कि अच्छे कर्म के लिए अगर आदमी इन्वेस्ट कर रहा है तो कहीं हानि नहीं है, इसमें नुकसान की तो कहीं कोई मुझे कारण दिखाई नहीं देते हैं। और ये नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर अर्पित करने का वही तरीका, गंगा जल में डिप कीजिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, ये एक बार महामृत्युंजय का मंत्र बोलिए और शिव जी पर अर्पित कर दीजिए। 108 जोड़े नाग के नागिन के चांदी के शिव जी पे अर्पित हो जाएंगे, इनको जमा कर लीजिए, और जमा करने के बाद में फिर एक एक करके इनको जल प्रवाह कर दीजिए। दिन वही जो मैंने आपको बताया स्पेशल जो मुहूर्त है आपके। और एक उपाय जो मैं करवाता हूँ सबसे अच्छा, जिसको मैं मानता हूँ, एक ऐसा चित्र ले लीजिए, ऐसी मूर्ति ले लीजिए गरुड़ जी की, और गरुड़ जी की भी वो मूर्ति जिसमें विराजमान हो विष्णु, जिसमें सपरिवार विष्णु भगवान विराजमान हो। बहुत सारे होते हैं उड़ते हुए गरुड़ के चित्र मिल जाते हैं, ये अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं वहाँ दक्षिण दिशा की ओर साउथ डायरेक्शन में, साउथ फेसिंग साउथ वॉल जो है उस वॉल में टांग दें आप, उसमें रख दें, जैसे भी सुविधा हो। ये बहुत अच्छा उपाय सिद्ध होगा। ये मैं जो राहु जनित दोष है उसके लिए बड़ा अच्छा मैंने देखा, ये वाला, ये कालसर्प दोष के लिए भी बड़ा अच्छा होगा, ये आपके नाग दोष के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। और ये दोष कहीं भी जन्मपत्री में किसी भी कारण से, चाहे वो गोचर वश हो, चाहे वो आपके दशा हो, अंतर दशा हो, प्रत्यंतर हो, प्राण हो, सूक्ष्म हो, कोई भी दशा हो, अगर राहु से पीड़ित हैं। अब इसकी पहचान कैसे होगी? देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो हॉरोस्कोप का पता ही नहीं, बड़े अच्छे से सिम्टम आते हैं इसके, अगर नाग दोष है बड़े अच्छे सिम्टम्स आते हैं। देखिए एक तो सांपों के सपने दिखाई देने लगेंगे आपको, है ना, और अनयूजुअल ड्रीम्स आएंगे जो कहीं ना कहीं डर लगे आपको, मृत आत्माएं दिखाई देंगी और इविल स्पिरिट्स दिखाई, बताया ना इस टाइप के चीज़ें जो आप कहीं ना कहीं आपको डरावने सपने, और ऐसे सपने जो उठने के बाद आपको नींद ना आए, बेचैनी हो,
सारे दिन भर लगे कि आपको बड़ा एक अनइजीनेस फील हो रही है, एक रेस्टलेसनेस लगे जहाँ पे, तो इस टाइप के दोष जो होते हैं, इस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं, ये इंडिकेट का हर वक्त ही भारी भारी सा लगेगा आपका। ये सिम्टम्स होते हैं कि राहु दोष के कारण कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। देखिए फिर मैं कहूँगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ जरूर क्लिक कर दिया करें, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं इनसे उत्तम नारायण पांडे जी के बहुत सारे वीडियोज दे रहा हूँ, और यूनिक वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे नीचे, एक श्रावण मंत्र की पूरी प्ले लिस्ट बनाई दी है, एक क्लिक करेंगे तो 50-60 वीडियोस एक साथ आपको दिखाई दे जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर रीडिंग गोपाला जी, और हमारे उत्तम नारायण पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद।